और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कुशीनगर एयरपोर्ट परिसर से शिव मंदिर और स्कूल हटाने पर हंगामा, प्रशासन और उपजिलाधिकारी पर भड़के ग्रामीण। कौन करेगा इसका व्यवस्था? हम लोग मांग है कि मंदिर हटाने के स्थिति में दूसरा मंदिर बनवाया जाए, जबकि आंदोलन किया जाएगा, एयरपोर्ट की छरदीवाली तोड़ा जाएगा, लाठी डंडा खाया जाएगा, लेकिन मानेंगे नहीं हम। निर्माणाधीन कुशीनगर एयरपोर्ट क्षेत्र में मौजूद बेलवा दुर्गाराव गायत्रीपुरम का यही वो शिव मंदिर और हाई स्कूल है, जिसे जबरन हटाने के चक्कर में जिला प्रशासन को ग्रामीणों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। बवाल एक दिन पहले उस वक्त का है जब कसया के उपजिलाधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ जूते पहने हुए मंदिर में घुस गए और उनके कर्मचारी त्रिशूल उखाड़ने लगे। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक भावना का अपमान और जबरन कार्रवाई बताते हुए जमकर विरोध किया। गुरुवार को भी ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। गुस्साए ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मंदिर और शिवलिंग कहीं स्थानांतरित नहीं हो जाता और स्कूल की सही जगह पर शिफ्टिंग नहीं हो जाती, तब तक वे मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर मनमानी करेगा तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। 2011 में जब अधिग्रहण हुआ एयरपोर्ट के जमीन के लिए, उसी समय मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, मंदिर, काली माँ का स्थान एयरपोर्ट के जद में आ गया। और उसी समय तत्कालीन जो प्रशासन था उसने आश्वासन दिया कि जब हटाने की स्थिति आएगी तो हम लोग मंदिर भी बनवा देंगे, काली माँ का स्थान भी बनवाएंगे, गाँव में लोगों को लाल कार्ड देंगे जिनकी जमीन निकल गई है। अनेकों प्रलोभन और लालच दिया गया और देने के बाद तब से प्रशासन सुसुप्ता अवस्था में है, अपना सारा काम कर रहा है। और जब जब बात चल रही है मंदिर की तो प्रेशर लगा करके और एकदम बलपूर्वक प्रयोग करके ये सड़क को बाउंड्री वाल बना लिया गया। अब बनाने के बाद जब जब कहा गया तब तक झूठा आश्वासन दे करके लोगों को झलाया जा रहा है। कल की स्थिति यह है कि मंदिर में समझिए कि जूता पहन करके, चप्पल पहन करके जा करके त्रिशूल नोच देना, उसका जो पानी गिरने का जो जगह बनाया जाता है उसको नोच देना, काली माँ के स्थान के बारे में कहीं कोई सोचने वाला नहीं है। आखिर हमारे SDM कोई दूसरे थोड़ो ना है, और हमारे लिए सांसद कोई दूसरा है, हमारे लिए MLA कोई दूसरा है, हमारे लिए हमारे गाँव की भी तो व्यवस्था इन्हीं लोगों करना है। कौन करेगा इसका व्यवस्था? हम लोग मांग है कि मंदिर हटाने के स्थिति में दूसरा मंदिर बनवाया जाए, जबकि मंदिर के लिए जमीन जिसने मंदिर बनवाया अपना खेत दे करके गया है मंदिर के लिए, और मंदिर के नाम से रिकॉर्डेड है जमीन, उस जमीन में मंदिर बनवा दिया जाए, काली मैया का मंदिर बनवाया जाए। शिव मंदिर, काली मंदिर एयरपोर्ट प्रांगण में आया है, शासन की मंशा है, शासन का आदेश है कि इसको तोड़ दिया जाए। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का भ्रष्ट SDM है वह कल जूता चप्पल पहने बिना हम ग्रामीणों को सूचित किए हुए वह और उसके लेखपाल मंदिर में जाके त्रिशूल उखाड़ने लगे। उस SDM के खिलाफ हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन है। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोगों का मंदिर जहाँ जगह हम लोग दे रहे हैं, ग्रामवासी दे रहे हैं, वहाँ हम लोगों का मंदिर निर्माण करा दें, उसके बाद से इसका ले जाकर उसमें शिलान्यास करा दें, उसके बाद इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें, यही हम लोगों की मांगे हैं। आंदोलन किया जाएगा, एयरपोर्ट की छरदीवाली तोड़ा जाएगा, लाठी डंडा खाया जाएगा, लेकिन मानेंगे नहीं हम लोग। और जब तक SDM आके मंदिर में माफी नहीं मांगेगा तब तक उसको भी नहीं हम लोग। बताते चले कि कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। बहरहाल के विमानन मंत्री नंद गोपाल नंदी इस एयरपोर्ट के विकास कार्यों का जायजा लेने कुशीनगर आने वाले हैं। मंत्री के आगमन का कार्यक्रम तय होते ही प्रशासनिक अमला नींद से जाग गया और एयरपोर्ट क्षेत्र में विकास की बाधाओं को हटाने में जुट गया है। हालांकि इस जल्दबाजी में अधिकारी भगवान की मर्यादा करना भूल गए, जो भक्तों के विरोध का कारण बन गया। इस पर जिलाधिकारी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सांसद विजय दुबे ने अधिकारियों की गलती पर पर्दा डालते हुए कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है और हम उसके लिए यथासंभव
मदद करेंगे। वो भी तो मान लीजिए हिंदू है, तो हिंदू धर्म पर ठेस लगाने का उनका कोई मंशा नहीं था, गलती से गए, क्षमा भी मांगे। अब त्रिशूल नहीं, उनसे पूछे मैं आते कि चप्पल मंदिर में पहन के जाया जाता है क्या, जूता पहन के? तो उन्होंने कहा नहीं सर, एक कर्मचारी था वो भूल से चढ़ गया। तो हम लोग भी मंदिर जाते हैं, कभी कभी भूल के सीढ़ी चढ़ जाते हैं, याद पड़ता है आके भी देखे हैं, जाके वहाँ प्रणाम भी करके भोलेनाथ से भी क्षमा मांगे हैं। और मंदिर के निर्माण का हम लोग कोई कसर बाकी नहीं लगे, निर्माण होगा ही। फिलहाल सांसद और जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट निर्माण कर रही कंपनी राइट्स लिमिटेड के सहयोग से कहीं और मंदिर बनवाने का भरोसा दिलाया है, जिस पर ग्रामीणों का विरोध शांत हो गया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वादा खिलाफी हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। कुशीनगर से गुड्डू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।